anti lines. Greater than and then we make this sign. This is the sign of less than. सब अपने नोटबुक पर एक बार टू साइंस बना के दिखाओ. Greater than, less than. Recover. A good reaction. So these are called comparisons. Okay, today we are going to do comparisons. And in comparisons, we do three signs. Greater than, less than, equals to. And how we can put it, that is very easy. You need to just do straight counting. That's it. Nothing else. देखो हमने कैसे करना है. हम टू नंबर सीखेंगे. जैसे मैम ने लिखा 5, 7 और मैम ने बीच में एक सर्कल बना दिया ब्लैंक. नाउ सब मैम को देखेंगे करेगा कोई भी नहीं. नंबर्स नंबर 5 and number 7. Now let's do the straight counting from the zero. जो नंबर पहले आएगा उसकी साइड पे क्रोकोडाइल की टेल आएगी. ओके, जो नंबर पहले आएगा उसकी साइड पे क्रोकोडाइल की टेल आएगी. पहले मतलब काउंटिंग में पहले. नाउ वी हैव 2, 5 and 7. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5. 7 नहीं आना तब सिर्फ 5 आए ना. तो ये 5 की साइड पे क्रोकोडाइल की टेल आएगी. और वो टेल हम कैसे बनाएंगे? ऐसे. 4 नंबर काउंटिंग में पहले आएगा वहां पे क्रोकोडाइल की टेल आएगी. और हम उसको बोलेंगे कैसे? जिस साइड पे क्रोकोडाइल की टेल आती है ना, दैट इज द लेस नंबर. सो 5 इज लेस. 5 is less than 7. 5 is less than 7. पहले आएगा. सिर्फ 3 रूल्स है. देखो ओनली 3 रूल्स. वी विल डू द स्ट्रेट काउंटिंग फ्रॉम 0. उसके बाद जो नंबर पहले आएगा उसकी साइड पे क्रोकोडाइल की टेल आएगी. और जिस साइड पे टेल आती है वो नंबर छोटा होता है, लेस होता है. ओके, लेट्स डू वन मोर. मैम ने लिखा 2. यहां पे मैम ने लिखा 6. लेट्स काउंट. लेट्स डू द काउंटिंग. 0, 1, 2. 2 तो पहले आ गया है ना. और जब 2 पहले आ गया तो वहां पे क्रोकोडाइल की टेल आ गई है ना. अच्छा और करते हैं जल्दी जल्दी. अभी मैम ने लिखा 5, यहाँ पे मैम ने लिखा 3. अभी हम लेस देन ग्रेटर देन बाद में बोलना सीखेंगे. पहले हम देखेंगे टेल कहाँ पे आती है. 5, 3. कौन सा नंबर पहले आएगा? 0,